उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में कोहरे और ठंड में दुकानों के शटर तोड़कर सामान चोरी करने वाले गिरोह के दो साथी चोरों को पुलिस ने धर दबोचा। इनके पास से करीब 2.5 लाख रुपए के सामान भी बरामद हुए हैं। मुखबिर की सूचना पर यह सफलता सदर थाने की पुलिस को उस वक्त मिली जब दोनों अभियुक्त चोरी के सामान को बेचने का प्रयास कर रहे थे। पुलिस की माने तो पकड़े गए दोनों चोर अपने 3 अन्य साथियों के साथ मिलकर दिन में दुकान की रेकी करते थे और रात में ठंड और कोहरे का फायदा उठाकर घटना को अंजाम देते थे। पुलिस ने इनके पास से 2 लैपटॉप, 45 मोबाइल फोन और हजारों की एसेसरीज बरामद की है। वहीं पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि इनके बाकी फरार 3 साथियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस अधीक्षक ने पकड़ने वाली टीम को 5,000 रुपए इनाम देने की घोषणा भी की है। क्राइम स्टोरी के लिए उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर से धर्मवीर गुप्ता की रिपोर्ट। दिलशाद और नीलेश दो अभियुक्त पकड़े गए हैं जो कस्बे के 3 चोरी के माल बरामद हुए हैं। एक मोबाइल फोन की दुकान से जो 45 मोबाइल फोन और 2 लैपटॉप बरामद हुआ है, डेल कंपनी का लैपटॉप है और विभिन्न कंपनियों के मोबाइल फोन है। 3 अभियुक्त इसमें वांछित हैं, उनको वांछित किया जाए, उनकी भी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। करीब 2.5 लाख रुपए की ये बरामदगी है और जो बरामद करने वाली टीम है उनको 5,000 रुपए का पुरस्कार दिया गया है।